लगातार कोठी के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी पुरानी कोठी बताई जा रही है, 1864 में इसका निर्माण किया गया था ऐसा बताया जा रहा है। ये आपका फैन भी जलता है, ये लैंप में रन फिल्म की शूटिंग हुई थी जिसमें भूमिका चावला, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, ये महेश मांजरेकर का मकान हुआ करता था। और ठंड होती है तो अंदर महसूस नहीं होती, टेम्परेचर वही का वही मेंटेन रहता है, और बाहर गर्मी हो जाती है तो अंदर ठंड लगती है। हमारे साथ एडिटर नदीम शाइन बने हुए हैं, तो तमाम जानकारी इनसे भी जानना चाहेंगे। उन्हीं का इसलिए बनाया था ये, तो वो बता सकते हैं, वो भी ब्रिटिश वाली अंग्रेजों के जमाने की जो दिखाएंगे उसमें मिलेगा, मुगलई में नहीं मिलेगा आपके जो 1980 में। अंग्रेजों ने आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए इस ऊंची कोठी को बनाया था। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में, मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। लगातार राजनीति की खबरें आपने देखी हैं, लेकिन इस वक्त एक इतिहास से आपको रूबरू कराने वाले हैं। अंग्रेजों का वक्त याद कर लेते हैं, जब अंग्रेज देश के अंदर आए थे, देश का हाल क्या कर दिया था वो सब आप जानते हैं। लेकिन जब दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए 1857 में वो इस हिंदुस्तान के अंदर पहुंचे थे, तो अपने रुकने के लिए काफी कोठियां उन्होंने बनाई थी रुकने के लिए, और उन्हीं कोठियों में एक कोठी जो मशहूर कोठी है और गाजियाबाद के मसूरी में वो स्थित है, उस कोठी से आपको रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस कोठी का नाम बता देते हैं, जो कि इस क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम चल रहा है इस चीज का, तो पीली कोठी के नाम से इसको जाना जाता है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, पीली कोठी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इस वक्त गाजियाबाद के मसूरी पीली कोठी के अंदर पहुंचे हैं, और तमाम जानकारी के लिए लोग हमारे साथ बने हुए, तमाम जानकारी इनसे लेंगे कि कब से ये बनी हुई है, कैसे इस वक्त हालात इसके हैं, तमाम जानकारी लेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है हाजी ताहिर। नहीं है, ये 1864 के आसपास बनी हुई है, जो इतिहास में हमने मतलब जाना है, पढ़ा है, और हमारे दादा मरहूम हाजी नज़ीर साहब ने और हमारे वालिद साहब ने इसे लिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के कर्नल थे जिन्हें ये मिली हुई थी 12 गांव के ऊपर। अच्छा, 12 गांव ने इनाम में मिले हुए थे लगान वसूली के लिए। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए इस ऊंची कोठी को बनाया था। जी हाँ, जो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे उन्होंने आपके जमुना पुल बनाया हुआ था, आपका दिल्ली का जो जमुना का पुल है, लोहे का कह देते हैं जिसे। अच्छा, उनको ये इनाम के बतौर इनाम में ये 12 गाँव उन्हें दिए गए थे लगान वसूली के लिए। चलिए पहले तस्वीरें आपको फिर से दिखा देते हैं, और अंदर के अंदर की कोठी भी जानना चाहेंगे, अंदर से कैसी बनी हुई है, तो अंदर का माहौल जानने के लिए, अंदर की और जानकारी लेने के लिए अंदर चलते हैं सीधा। इस कोठी के अंदर के हालात जानने के लिए अंदर की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ के जो हालात हैं वो दिखा देते हैं। काफ़ी पुरानी कोठी बताई जा रही है, 1864 में बनाई गई है ऐसा बताया जा रहा है, और तमाम जानकारी के लिए अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर के हालात भी आपको दिखाएंगे। बड़ी अच्छी सजा रही है भाई इसको, तो चलिए थोड़ा आगे आ जाएँ और इसके बारे में है ना पूरी जानकारी दें हमें। चलिए, तो पहले ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। 1864 में इस कोठी का निर्माण किया गया था। अच्छा, ये पुरानी तस्वीरें किस चीज़ की? जी ये तो हमारे वालिद सांसद रहे अनवार साहब, उनका है, ये 7th लोकसभा थी जब वो एमपी हुए थे 1980 में। अच्छा। तो उसमें है ये उसी टाइम के एमपी की फोटो है सबकी। तमाम पुरानी तस्वीरें भी यहाँ पर देखने के लिए मिली है। अच्छा, यहाँ की ये अगर रूफ की बातें करें तो डिजाइनिंग की हुई है इसको। ये मेहराब जो है, ये मेहराब उसी वक्त की है, सब बना हुआ, सब ये लकड़ी, कुछ लकड़ी खराब होगी जो चेंज कर दी है, बाकी ज्यादातर जो लकड़ियाँ उसी वक्त की है। अंदर जाने का रास्ता यहाँ पे कहाँ से? ये तो आपका ये अंदर जाने का रास्ता है। अच्छा, देखिए तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पुरानी कोठी जो अंग्रेजों के समय में बनाई गई थी। अच्छा, इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये क्या बना हुआ है? ये आतिशदान कहते हैं, आतिशदान। अच्छा, जी इसमें आग जलाने के लिए उस वक्त में कमरा गर्म करने के लिए इसमें लकड़ी जला दी जाती है, और इसका धुआं जो है सीधा आपको रूफ में निकलता है, ऊपर छत पर। अच्छा, यहाँ आग जलाएंगे और धुआं ऊपर जाएगा? चिमनी जा रही है ऊपर, ऐसे के ऐसी। अच्छा। दूसरे रूम में अटैच है, हर रूम में है ये यहाँ। अच्छा, सभी अटैच होने के बाद एक ही इसके अंदर? जी 40-45 कमरे सब में, सबके अंदर ये लगा हुआ है। अच्छा, 40-45 कमरे बता रहे हैं आप इसके? छोटे बड़े लगा के सब इतने लगभग है। पंखा बड़ा पुराना लग रहा है, ये भी उसी वक्त का है? ये पंखा भी मेड इन इंग्लैंड है, उसी वक्त का है, क्रम्पटन ग्रीव्स के नाम से ये कंपनी है। अब तो यहाँ इंडिया में भी है क्रम्पटन के नाम से। अच्छा, ये उस टाइम का ही है, ये बेल्जियम, मेड इन बेल्जियम का है और उसी वक्त का है ये। ऐसे इसमें 6 शीशे हैं। अच्छा, हाँ, मेड इन पूरी कोठी के अंदर 6 शीशे, उसमें भी आतिशदान है बना हुआ पीछे। अच्छा। हर रूम में ये है कि आप लकड़ी जलाइए और कमरा गर्म हो जाएगा। अच्छा, ये आतिशदान इस कमरे में भी बनाया गया है? हाँ, फर्नीचर उसी वक्त का है। अच्छा, ये फर्नीचर भी उसी? हाँ, ये बस ये है कि कपड़ा तो हमने सब करा है इसका चेंज, बाकी ये लकड़ी उसी वक्त की है, ये लकड़ी, ये चेयर,
ये आपका श्रृंगार मेज। अच्छा चलिए, और भी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। अच्छा ये किस लिए लगाई गई है यहाँ पर? ये जीना था, ये तो अभी टूट गया, इसे लकड़ी का था जीना ये। अच्छा। वो गल गया, लकड़ी ने दीमक ने लकड़ी खा ली। अच्छा। तो इस वजह से ये अब ये दूसरा बनाएंगे, इसका जो काम चल रहा है उसमें सीमेंट का बनाना पड़ेगा हमें। अच्छा, सीमेंट का या लोहे का? ये इसका यहाँ का किचन है ये बड़ा। अच्छा, पहले शुरू से ही हाँ किचन ही था, पहले किचन था। नहीं नहीं, पहले किचन था। अच्छा, पहले से किचन है। ये किचन के अलमीरा है इसकी, ये इधर है किचन का। अच्छा, वॉश बेसिन है, ये पहले से ही किचन था। लगातार कोठी के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काफी पुरानी कोठी बताई जा रही है, 1864 में इसका निर्माण किया गया था ऐसा बताया जा रहा है। सुरेख है, सुरेख है, ये जूते की है, ये उसी वक्त का है अभी तक। जी हाँ जी। अच्छा ये रूफ की बात करें तो बड़ा डिजाइनिंग है, शुरू से देख रहे हैं तो रूफ का जैसे ही है। जी हाँ, ये अलमीरा भी जबी है, गेट भी जबी का है ये सब लकड़ी जो है उसी वक्त की है। लकड़ी का सामान इस उसी वक्त का है। हाँ, नया भी है क्योंकि वक्त के साथ सब चेंज हो जाता है। ये आपको लाइट है, ये उसी की, ये आपका फैन भी जबी का है, अंग्रेजों के ज़माने का। ये लैंप था। अच्छा। किरोसिन वाला, जब लाइट नहीं थी तो उस टाइम इसमें तेल का इंतजाम करके इसमें रोशन करी जाती होगी। हमने तो लाइट ही देखी है क्योंकि इसमें बाद में लाइट की फिटिंग करा दी। हर इसमें भी आतिशदान है। जी अच्छा, इसके बारे में फिर से थोड़ा सा समझाएं हमें। ये अगर फिल्मों की बातें करें तो काफी फिल्मों में ऐसा देखने के लिए मिलता है। आप इंग्लिश फिल्में देखेंगे जो मतलब पुराने जमाने की दिखाएंगे तो उसमें ये वो भी ब्रिटिश वाली अंग्रेजों के जमाने की जो दिखाएंगे उसमें मिलेगा, मुगलई में नहीं मिलेगा। आपके जो पीरियड होती है मुगल पीरियड की उनमें नहीं है, उनमें नक्काशी मिलेगी आपको। इस कोठी के अंदर की देख रहे हैं, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये चेयर भी उसी वक्त की है ये। अच्छा। ये स्टूल जो है, ये कॉर्नर के स्टूल, ये भी उसी वक्त के जाएगा। तो ये गैलरी है, कालीन के साथ था, इसमें कालीन था पहले, वो कालीन तो खराब हो गया सब, क्यों पुराना बहुत हो गया 150 साल का। ये फिलहाल जब का आज तक ऐसा ही है। ये लकड़ी जो ऊपर रूफ दिख रहा अभी लकड़ी लगी हुई है ऊपर। हाँ, डिजाइन है ये उन्हीं का, उस टाइम का। हम किस लिए बनाया था ये तो वही बता सकते हैं। हमारे पास तो ये हाँ लाइट है, ये सामने भी लकड़ी है। जैसे आज तो वो बना देते हैं ना, POP का डिज़ाइन दे देते हैं। उस वक्त में उन भाई अंग्रेज पीरियड था, उन्हें लकड़ी की तो उस वक्त जी। लगातार इस कोठी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसा सुना है हमने कि काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर की गई। हाँ, इसमें रन फिल्म की शूटिंग हुई थी जिसमें भूमिका चावला, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, ये महेश मांजरेकर का मकान हुआ करता था, जिसमें भूमिका चावला जो उस फिल्म में सीन था कि वो अभिषेक बच्चन के साथ भागी थी। अच्छा। तो यही मकान था, वो इसी कोठी से। अच्छा, इसी मकान को दिखाया गया है। महेश मांजरेकर की कोठी दिखाई गई है ये। अच्छा, रन फिल्म में। रन फिल्म ही या और भी कुछ मूवी बनाई गई? और इसमें कई सीरियल बने हैं। अच्छा। जैसे एक सीरियल वो था, मैं उनका जो जो बच्चे जिसे देखते थे, सुसाइड कर लिया था कई बच्चों ने उनके ऊपर, उनके शक्तिमान भी बना था यहाँ। शक्तिमान भी यहीं से बनाया है। यहीं से शुरुआत हुई थी शक्तिमान की। अच्छा, शुरुआत इसी से की गई थी शक्तिमान की भी। भंवर आता था आपके सोनी TV पर, भंवर। अच्छा। वो सारे यहीं बनाते। काफी मूवी की शूटिंग की गई, तो ये बताइए जब शूटिंग करने के लिए यहाँ आते थे तो कितने लोग आते थे और किस तरह से शुरुआत करते थे? अलग अलग जो TV सीरियल होते थे उनका तो बजट कम होता था, तो उनका जो यूनिट छोटी होती थी, 30 आदमी के लगभग। फिल्मों की हुई है तो उसमें तो 100-200 आदमी भी हुए रहे हैं। दो रन फिल्म के 150 लोग यहाँ रहे थे 3 दिन तक रेगुलर। अच्छा, रेगुलर 3 दिन तक रहे। हाँ, अभिषेक बच्चन भी यहीं स्टे करा था उन्होंने, नाइट स्टे। अच्छा, भूमिका चावले का भी नाइट स्टे यहीं था। देखिए तमाम तस्वीरें कोठी की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये जीना कुछ अलग है, लकड़ी का बनाया गया है। भैया आपसे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। तो ये लकड़ी का है, चलने में भैया आवाज़ कर रहा है काफ़ी। हाँ, अच्छा, तो कितना फिट हो गए लंबा? ये लगभग 8 फुट है। अच्छा, और ये जो स्टेप्स हैं बिल्कुल ऐसे ही, फिर ऊपर भी है ऊपर जाने के लिए, और ये लकड़ी का तभी से ऐसे ही है बस। अच्छा, नहीं तो कोई चलने में कोई। अच्छा, ये लोहे के भी लगाए हैं, ये किस लिए लगाए गए हैं फिर? इसमें पहले कालीन था। अच्छा, अच्छा। फिर कालीन जब हम पैर रखते हैं तो वो फिसलता है, तो उसको रोकने के लिए लोहे के सरिये थे। ये बाद में लगाया गया है। हाँ, एज ए सेफ्टी। देखिए तस्वीरें फिर से इस जीने की आपको दिखा देते हैं कि
लकड़ी का बनाया गया है, काफी लंबा जीना है, ये आवाज भी काफी कर रहा है चलने में। अच्छा, और क्या क्या अनोखी चीजें इस कोठे के अंदर आज भी मौजूद हैं? सबसे ज्यादा अनोखा तो ये है कि जैसे कि आजकल फंक्शन आता है क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में, तो वो क्लाइमेट कंट्रोल है। अच्छा। बाहर ठंड होती है तो अंदर महसूस नहीं होती, टेम्परेचर वही का वही मेंटेन रहता है, और बाहर गर्मी हो जाती है तो अंदर ठंड लगती है। इस वक्त बरसाती बालकनी में हम पहुंचे हैं और तस्वीरें पहले आपको फिर से दिखा देते हैं, बड़ी अनोखी चीज़ बनाई गई है। चलिए सबसे पहले जो है ना, आपसे काफ़ी जानकारी हमने ले ली है लेकिन आपसे वाकिफ नहीं हुए, तो सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है, बबलू भी कहते हैं, जैसे घर में नाम होता है। अच्छा अच्छा। और मरहूम अनवार साहब का मैं छोटा लड़का हूँ। अच्छा, उनके छोटे बेटे जी हैं। ताहिर मेरे बड़े भाई हैं। ताहिर आपके बड़े भाई हैं। चलिए आपसे भी रूबरू कर लिया है, बड़ा अच्छा लगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, बरसाती बालकनी आपने इसका नाम दिया है, ये जो ये बनी हुई ये तभी की है, ये लकड़ी की है क्या? हाँ, ये ऊपर लकड़ी है। अच्छा, ये लकड़ी और ये क्या है फिर? ये जो मेटल आता है ग्रेकचून कहते हैं जिसे, वो है ये। तो ये अभी तक टूटा नहीं है? ये ऐसे ही है। अच्छा, ये लकड़ी का बना हुआ है। अच्छा, उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो क्या चीज़ है फिर? वो भी लकड़ी का है। जब ये जब सूरज इस तरफ आ जाता है, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो एक तरीके से वो शेड का काम करता है कि डायरेक्ट धूप ना पड़े और आदमी यहाँ बैठ सके। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं, बीच में भी गए हैं, ऊपर भी गए हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं, लेकिन और जानकारी के लिए हमारे साथ SS न्यूज चैनल के सब एडिटर नदीम शाइन बने हुए हैं, तो तमाम जानकारी इनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले नदीम जी ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये यहाँ पर रोड निकला हुआ है, ठीक है, तो इस रोड का नाम जानना चाहेंगे। NH9 है और ये जगह जो है गाजियाबाद का मसूरी जो मसूरी है गाँव, वो ये जगह है और पेट्रोल पम्प और इसके बराबर में थाना, ये इसकी लोकेशन है। और तमाम इसकी लोकेशन खुद में एक अपना अपने बयां करती है कि पीली कोठी है। तो जिधर से आपने इसकी तस्वीर दिखाई थी, हालांकि अभी तक बहुत से लोगों ने उधर की तस्वीर दी थी, उधर का फ्रंट जो इसका फ्रंट है वो इस तरफ का है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे, रोड पर जो लोग चलते हैं तो उनको इस तरफ से जो कि बैक साइड है, और बैक साइड को देख के भी लोग इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तमाम तरीके की फिल्मों की शूटिंग, सीरियलों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। अक्सर जब हम छोटे छोटे यहाँ हुआ करते थे क्योंकि हम लोकल एरिए से हैं, तो हम भी यहाँ आया करते थे फिल्म शूटिंग के लिए, तो बड़ा चर्चा का विषय हुआ करता था उस टाइम पर कि यहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है। आज भी होता है माहौल, लेकिन उस दौर में यहाँ पर रन फिल्म की शूटिंग हुई थी जो कि अभिषेक बच्चन की फोटो यहाँ लिया गया था, उसकी यहाँ पर शूटिंग हुई थी, तो यहाँ आए थे और शूट करने के बाद फिर वो दिल्ली चले गए, लेकिन वो दो तीन दिन यहाँ शूट चला था, तो शूट को देखने के यहाँ लोग जनसैलाब उमड़ गया था उस टाइम, आस पास के गाँव में जिनको पता भी लगा सब लोग यहाँ आए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए अभी इस वक्त के हालात अगर इसके जाने तो कुछ कमज़ोर सी नज़र आती है देखने में, बरसात की बातें करें तो बरसात में किसी तरह से कोई डर नहीं? देखिए, ये तो यहाँ की बात है कि वाले ही बता पाएंगे क्योंकि ये तो बच्चों से यहाँ रह रहे हैं, और जो MP अनवार साहब थे उनकी ये कोठी उनके नाम से मशहूर थी, MP अनवार की कोठी, तो उस नाम से ये मशहूर थी। हालांकि इस कोठी को लोग जैसे आसपास के इलाके के लोग हैं उसमें चर्चा हुआ ये विषय है कि हाँ थोड़ी जो पेंट है वो अधूरे हो रहे हैं और इसका मजबूत हो जाए दोबारा से, तो ये कोठी दोबारा है मशहूरी का नाम रोशन इससे हो सकता है। अच्छा, आसपास के क्षेत्र का भी हालांकि आज भी ये नाम रोशन करती है क्योंकि अंग्रेजों के समय की बनी हुई है और आज भी इस क्षेत्र में बनी हुई है, तो लोग जो सोचते हैं इसके बारे में आज? देखिए, आज भी इसके सोचना तो लाजमी है क्योंकि यहाँ से जो लोग गुजरते हैं वो उसको जरूर देखते हैं, उनकी आंखें जो है उसको देखने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि ये अभी तक भी इतनी बड़ी कोठी आसपास के इलाके में नहीं है। तब ये अंग्रेजों के ज़माने की 1864 में ये कोठी यहाँ पर तैयार हुई बनी, उसके बाद यहाँ के लोगों ने उनको यहाँ दे दी। 10-12 गाँव जो बताए जाते हैं, 12.5 गाँव उनकी यहाँ निगरानी इससे होती थी, तो यहाँ रुकते थे। तो तमाम ऐसी मसूरी में भी कुछ इस तरीके की कोठियाँ दरवाजा था वो बना हुआ था अंदर मसूरी के अंदर भी। अच्छा, तो ऐसी हाँ अंग्रेजों के समय का मुझे, तो वो एक दिन गिर गया था, हम वहाँ स्कूल को पढ़ रहे थे तो हमारे सामने की वो रास्ता है कि वो एकदम सारे क्षेत्र ढह गया था। अच्छा, कुछ सुरंग भी यहाँ मसूरी क्षेत्र में अंदर है, तो वो आप सभी को अगर अंग्रेजों का समय याद करें तो काफ़ी चीज़ें आज भी देखने के बाद याद आ जाती है। हाँ, काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे हुआ करते थे उस टाइम, तो वो देखी जाती थी वो चीज़ें। तो ये एक कोठी है बनी हुई है, फैमिली में रहती है, MP अनवार साहब के बेटे इसमें यहाँ रह रहे हैं, वो तमाम इसकी देखभाल सबकी, काफ़ी बड़ा एरिया है, उस एरिया को भी कवर करना है, सबकी देखनी भी है, हालांकि मरम्मत की इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नजर आ रही है। बिल्कुल, तो देखने से भी पता चल रहा है। और देखिए, इस वक्त जो है बैक साइड से ये पीली कोठी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रोड की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाई थी कि रोड से आते जाते जो लोग हैं उनको बैक साइड से दिखाई देती है, और बैक साइड से देखने के बाद भी लोग खुश हो जाते हैं, अंग्रेजों का समय उनको याद आ जाता है कि अंग्रेजों के समय की बनाई हुई ये तस्वीरें, ये
कोठी आज भी इस वक्त इस क्षेत्र के अंदर मौजूद है। और देखिए, और तमाम जानकारी के लिए हमने नदीम शाहिन जी से बात की है, तमाम जानकारी उन्होंने दी है। हालांकि जो परिवार आज इस कोठी के अंदर रह रहे हैं उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश की है।